आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। रूस के साथ संकट की वजह से यूक्रेन की सरकार घरेलू जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान लगा रही है। प्रतिबंध की वजह से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में खाद्यान्न और दूध उत्पादकों की कीमत बढ़ने की आशंका बन गई है। यूक्रेन से दुनिया भर में गेहूं, खाद्य तेल, चारे आदि की सप्लाई होती है। संकट के साथ ही गेहूं, मक्का, खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए यूएई तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है। इसी के साथ तेल की कीमतों में आज अधिकतम 18% तक की गिरावट देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गया है। रूस यूक्रेन वॉर और होली का त्योहार करीब आते ही भारतीय बाजार में महंगाई अपने चरम पर है। 15 दिनों में हर तरह के मसालों की कीमतों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। मसालों के साथ साथ अरहर दाल की कीमतों में भी उछाल आया है। वहीं जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, मिर्च आदि की कीमत में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। विदेशी बाजारों में जोरदार तेजी के बीच घरेलू तेलों की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन सहित लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। मलेशिया एक्सचेंज में रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही और वहां तेल कीमतों में $170 यानी 10% की मजबूती आने के बाद कारोबार के दौरान ऊपरी सर्किट लगाना पड़ा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.40% की गिरावट के साथ 52,532 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 0.25% की गिरावट के साथ 69,404 रुपए प्रति किलोग्राम रही। सरसों तेल की कीमतों में आम जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। सरसों के नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। खाद्य पदार्थों की कीमत भारत में आसमान पर है। इसी बीच सरसों के तेल में गिरावट आने से आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। यूक्रेन सरकार ने गेहूं, जई, अन्य खाद्य अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के अधिकारी ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे रूस के साथ गहन युद्ध के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध करा सके। वहीं यूक्रेन के कृषि और खाद्य नीति मंत्री ने एक बयान में कहा, यूक्रेन में मानवीय संकट बाजार को स्थिर करने और महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादों को आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात प्रतिबंध की आवश्यकता है। तुअर की कीमत में 7,000 रुपए हो गई है। इस साल नाफेड के जरिए गारंटी सेंटर शुरू किया गया है। इस खरीदी केंद्र पर तुअर की कीमत 6,300 रुपए तय की गई है, लेकिन खरीदी केंद्र की ओर किसानों का रुझान कम है क्योंकि केंद्र की स्थापना के बाद बाजार भाव भी बढ़ गए हैं। मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदे की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में बिनौला तेल खली की कीमत 19 रुपए की तेजी के साथ 3,150 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि हाजिर बाजार में पशु चारा निर्यात कंपनी की बढ़ती मांग के बीच कारोबारियों ने अपने सौदे को बढ़ाया, जिससे बिनौला खली वायदा की कीमतों में तेजी आई है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।